हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल सिग्नेचर बनाने का सबसे आसान तरीका। जी हां, आप अपने डिजिटल सिग्नेचर खुद से बना सकते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम इसमें नहीं लगेगा। जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है सब पर ये डिजिटल सिग्नेचर वैलिड रहेगा। क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर बनाने का सबसे आसान तरीका इस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर खुद से बनाएंगे तो भी ये आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके जो भी एड्रेस है उस पर ये डिलीवर हो जाएगा। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे काम है जो आप खुद से कर सकते हैं। ट्रेडमार्क अप्लाई करना हुआ या फिर इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करना हुआ, GST वेरीफाई करना, सारे काम डिजिटल सिग्नेचर से आप आराम से कर सकते हैं। आज की डेट में टैक्स कंप्लायंस में वैलिड है। तो ये रही हमारी वेबसाइट, इसके थ्रू हम यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में हम जो है लॉगिन के थ्रू जा सकते हैं या फिर हमें लॉगिन विद EKYC अकाउंट के थ्रू हम यहाँ पर कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या होगा, जब हम एक बार अप्लाई कर लेंगे तब हमारा यहाँ पर यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले हमें जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। अप्लाई के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएंगे कि आप किस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे ऑफलाइन या फिर ओबलिंग ऑनलाइन आधार। इस वाले में हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे विद XML फाइल। XML फाइल पहले मैं यहाँ से साइट से डाउनलोड कर लूँगा, ये आधार की वेबसाइट है, या डायरेक्ट भी आप आधार के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो डाटा है वो लाइफ टाइम यहीं पर वेरीफाई होगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, क्लास 3 सेलेक्ट कर लिया, फिर सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया, ईयर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कौन सा, कितने साल का आपको DSC चाहिए, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, देन उसके बाद आधार नंबर एंटर करना है। आधार के जो ऑथेंटिकेशन है, मतलब जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP जाएगा, उसके थ्रू आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है इस तरीके से कीजिएगा, पहले आधार की वेबसाइट से लॉगिन करके वहां से XML फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बेस्ट तरीका, क्योंकि साइट जो है आपस में लिंक होने में प्रॉब्लम करती है और आधार की साइट जो है कभी कभी थोड़ा हैंग रहती है, तो ये वाला बेस्ट तरीका है। यहां पर आधार और ये सब डिटेल एंटर करके OTP ले लीजिएगा। इस तरह से आपको ये ZIP फाइल डाउनलोड कर लेनी है और सिंपल इसका पासवर्ड रख लेना 1 2 3 4। उसके बाद हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे, जो मैंने यहाँ पर सेकंड वाला तरीका बताया उसमें इंपोर्ट करेंगे हम फाइल को, जो यहाँ पर ये वाला तरीका था सेकंड वाला, अप्लाई विद XML फाइल, ये हम डालेंगे। इसके थ्रू क्या होगा कि जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID और DSC का जो पासवर्ड है वो आप यही रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको आसानी होगी, इसको नोट करके रख लीजिएगा, सिंपल सा पासवर्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैन नंबर आपको जरूर एंटर करना है, यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है बट इसको आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर पैन नंबर आपको 100% एंटर करना है और वो नेम आपका जो आधार में है वही सेम नाम यहाँ पर भी होना जरूरी है। उसके बाद आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आधार की डिटेल्स को वेरीफाई करना है। देन उसके बाद जैसे OTP वेरीफाई हो जाएंगे, सबमिट पे एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा, ये आपके पास PDF फॉर्म आ जाएगा और आपकी जो ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपके पास लिंक चला जाएगा। लिंक पर क्या करना है, वीडियो वेरीफिकेशन कराना है। आधार का तरीका इतना आसान है कि वीडियो में आपको कुछ भी शो नहीं करना है, मतलब अगर आप विदाउट आधार करते हैं तो आपको फिर उसमें पैन कार्ड KYC दिखाने होते हैं, बट इस वाले केस में कुछ भी आपको दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस क्या है कि डायरेक्ट आपको बोलना है, उसमें जो मैसेज आएगा जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें मैसेज आएगा, वो मैसेज आपको रीड करके बताना है। देन उसके बाद बोलना है आई हैव अप्लाइड फॉर क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर, इसमें 1 ईयर 2 ईयर जो भी है वो मैसेज वहां पर लिखा हुआ आएगा, सबमिट कर दीजिएगा DSC का वेरिफिकेशन सबमिट। कुछ टाइम बाद, मतलब हार्डली 5-7 मिनट के अंदर अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो DSC है वो सक्सेसफुली अप्रूव हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, फिर दोबारा से वीडियो अपलोड कर दीजिए अगर कोई एरर रह जाती है। तो डिजिटल सिग्नेचर बनाने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा चैनल पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाकर एक बार चैनल पर देख सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए अपलोड किए गए हैं। सारे वीडियो फ्री हैं, आप इसको देखेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेलिवेंट वीडियो अगर देखना है, जैसे ITR फाइलिंग के अलग हैं, GST फाइलिंग के अलग हैं, रजिस्ट्रेशन के अलग हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन के अलग हैं, TDS फाइलिंग के अलग हैं, तो सारे वीडियो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में ही यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।